छिंदवाड़ा के परासिया और चांदा मेटा में खनिज विभाग ने ताबड़तोड़ कार्यवाही की है। खनिज विभाग की टीम ने एक पोकलेन मशीन के साथ गिट्टी से भरे ओवरलोड ट्रक को जब्त कर दिया है। परासिया क्षेत्र में कई दिनों के अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन जोरों पर हो रहा है, जिसको लेकर लगातार शिकायतें आ रही हैं, लेकिन खनिज विभाग गहरी नींद में सोया हुआ है, जिसके कारण उत्खनन करने वाले और परिवहन करने वालों के हौसले बुलंद हो गए हैं और सरकार को राजस्व की हानि हो रही है। आज खनिज विभाग और राजस्व विभाग की टीम ने क्षेत्र में ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए एक पोकलेन मशीन और दूसरे स्थान से गिट्टी से भरे ओवरलोड ट्रक को पकड़ा, जिसे तत्काल पुलिस के सुपुर्द कर दिया। इस कार्यवाही को देखकर क्षेत्र में खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है और वे काम बंद करके अंडरग्राउंड हो गए हैं। तहसीलदार मैडम परासिया द्वारा जानकारी दी गई थी कि उनके द्वारा रात्रि में मुरुम के खनन में संलिप्त एक वाहन को जब्त किया गया है, जिसकी जांच हेतु राजस्व विभाग परासिया और खनिज विभाग द्वारा संयुक्त रूप से जांच की गई। जांच के दौरान जो मशीन जब्त की गई थी उसको सुपुर्दगी में लिया गया है, जो खनिज मुरुम के समतलीकरण की अनुमति प्राप्त कर अन्य खसरा नंबर पर पुराव का कार्य किया गया था, उसके संबंध में पंचनामा की कार्रवाई की गई और प्रकरण विवेचना में। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।